हेलो फ्रेंड्स, अमरीश पटेल। न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन प्रणाली। मैं नई भोजन प्रणाली का प्रचारक हूँ, सीनियर एडवाइज़र और नेचुरोपैथ स्पेशलिस्ट, योग टीचर। आप लोगों ने मेरे काफ़ी वीडियोस देखे होंगे। आज फिर से मैं हर नवरात्र को जैसे आता हूँ वैसे आसो नवरात्र और चैत्र नवरात्र, इस बार आसो नवरात्र का मेरे आगे भी काफ़ी 5, 6, 7, 8 वीडियोज़ है, आप पुराने भी देख सकते हो। मेरा ये वीडियो लंबा बनाने का कोई आशय नहीं है, क्योंकि आगे मैंने डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे वाले भी बनाए हैं। जिसको सही में उपवास के बारे में जानना है तो मेरे पुराने जो वीडियोज़ है वो अच्छे तरह से देख लो। उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ उपवास कैसे करना, क्या उपवास के फ़ायदे, क्या फास्टिंग के जो बेनिफिट, वो सब उसका। ये जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसमें उसका लिंक भी डाल दूंगा, और इसमें जो क्लिंजिंग प्रोसेस या दूसरा बताया उसका भी लिंक डाल दूंगा। तो आपको थोड़ा उसमें जाके अच्छी तरह से करना है। फास्टिंग वो समझ के करना है, ऐसे ही नहीं करना है, क्योंकि वो समझ के बिना करोगे तो उससे फ़ायदे के बिना नुकसान हो जाएगा। न्यू डाइट सिस्टम में फास्टिंग का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्लिंजिंग प्रोसेस बोला जाता है। फास्टिंग कोई कंपटीशन नहीं है, अपने को धीरे धीरे अपनी जो भी आपकी बॉडी की मर्यादा है उसको समझ के करना है। धीरे धीरे आप आदत बढ़ा सकते हो। अभी जो ये प्लान है अपना नवरात्र का, वो रूटीन नए लोग है वो इसमें जैसे समझाए वैसे जा सकते हैं। जो लोग पुराने हैं उसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट कर सकते हैं और थोड़ा ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। मैं नवरात्रि के दरमियान मेरे गांव जाने वाला हूँ नवरात्रि अनुष्ठान के लिए। लगभग 25 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक मैं और मेरा सेंटर बंद रहेगा। मैं काफ़ी सालों के बाद ये इतना होगा कि मैंने 10-12 दिन की छुट्टी ली। इसके लिए आपको थोड़ा मीन टाइम मैं आपको इतना मैसेज या रिस्पॉन्स या जवाब नहीं दे पाऊँगा। ये जो हमारी सिस्टम है वो क्लिंजिंग सिस्टम है, फास्टिंग वो क्लिंजिंग है। जैसे हम खाना खाते हैं तो कचरा बनता है, तो हमको जैसे न्यू डाइट में नॉर्मल प्लान ऐसा रहता है, 6 घंटे खाओ ग्रीन जूस पियो, 6 घंटे भूखे रहो, बाद में ग्रीन जूस पियो, बाद में पूरे दिन फ्रूट वेजिटेबल जूस जो भी लेना है, और शाम को एक टाइम खा लो। वैसे एक आदर्श जिसको ज़्यादा रोग या कुछ नहीं है उसके लिए है। जिसको रोग है उसको हम रसाहार पे रखते हैं, जिसको ज़्यादा है उसको हम उपवास करवाते हैं, वो हम पर्सन टू पर्सन पर्सनल कंसल्टेशन में करते हैं। ये प्रोसेस में हमें अलग अलग क्लिंजिंग होती है, मैं उसको आपको बता दूं। एक सूर्य स्नान बहुत जरूरी है, सनबाथ मॉर्निंग में टाइम मिले तो 20 मिनट करो या शाम को करो। दूसरा आई वॉश कप, उसमें सुबह में आप उठते हो तो इसमें ठंडा पानी लेके ऐसे किया करो तो फायदा होगा। पूरे दिन में आप आई जेल का भी प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि आजकल हमें बहुत काम बढ़ गया है लैपटॉप सेलफोन का, तो ऐसे रख के फ्रिज में रख के तो आंखों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जल नीति है, इसमें थोड़ा गुनगुना पानी रह के ऐसे करो। ये सबके डिटेल वीडियो है, मैं आपको जर इसका नाम बताता हूँ। वॉमिट करना, उल्टी करना, वो आप 8-10 ग्लास पानी गर्म पी के बाद में वॉमिट कर दो। ये पूरी सारी जो क्लिंजिंग प्रोसेस मैंने बताई है वो आपको करना है, अलग अलग टाइम इसमें बताए। मिट्टी पट्टी, ऐसे मिट्टी की पट्टी बनाओ तो ठीक है, अदरवाइज ऐसा भी कुछ आपके घर में है तो इसमें ठंडा पानी रख के आपकी टमी पे पेट पे रख लो 20 मिनट, तो उससे भी फायदा होगा। घर्षण स्नान, आप जब बैठो सूर्य स्नान में तब उसको ऐसे पूरा घिसना है अच्छी तरह से। स्नान करने जाओ तब भी इसको पूरा अच्छी तरह से घिसना है, तो आपके जो पॉर्स है, छिद्र है, वो खुल जाएंगे। उपवास 3 तरह के हमारे में होते हैं। फर्स्ट इज निर्जला उपवास, निर्जल उपवास, नो वाटर फास्टिंग फॉर 36 आवर्स। इसमें आप ज्यादा भी कर सकते हो। निर्जल यानी आज रात को आपने पानी पी लिया तो कल पूरे दिन कुछ नहीं पीना है, और तीसरे दिन 12 बजे आपको ग्रीन जूस लेना है, यानी ऑलमोस्ट 36 आवर्स जैसा होता है। दूसरा आता है लेमन वाटर,
या लेमन हनी वाटर, जो भी आपको कन्वीनियंट है वो आप ले सकते हो। उसमें सिर्फ आपको ग्रीन जूस लेना है तो ऑप्शन है, अदरवाइज पूरे दिन आपको लेमन वाटर या उसमें रहना है। हो सके उतने कम ग्लास पानी पीना है, 2-3-4 ग्लास में चल जाता है तो ठीक है, एक में चल जाता है तो ज़्यादा पानी नहीं पीना है, नींबू पानी पीना। और तीसरा होता है रसाहार, रसाहार यानी जूस। उसमें भी दो प्रकार है, रसा यानी कोई भी फ्रूट जूस, स्पेशली हम लोग सिट्रस फ्रूट जो भी है खट्टे वाले, वो क्लिंजिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। संतरा, मौसम्बी, पाइनएप्पल है, पॉमग्रेनेट है, नींबू है, नींबू, वो सब फायदे ज़्यादा करता है। इसमें मोनो मोनो यानी सिंगल फ्रूट, यानी कोई भी एक फ्रूट पे आप लंबे समय तक रहो तो आपको अच्छा उसमें फायदा होगा। अगर वो नहीं रह सकते हो तो आप उसमें मिक्स कर सकते हो। ये मेन हमारे तीन प्रकार हुआ। ये अगर नहीं कर सकते हो तो आपको जाना है रो फूड पे, कच्चा देने है। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो आप जैसे हमारी नॉर्मल न्यू डाइट सिस्टम है उसमें शाम को एक टाइम खा सकते हो। रोग मुक्ति तक कच्चे पे रहो या रसाहार पे रहो तो ज्यादा फायदा रहेगा। निर्जला अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है। मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है, इंग्लिश और गुजराती में है। हमारा जो नवरात्रि का फास्ट है, 9-10 दिन का जो उपवास है, उसके 3 दिन पहले हमें थोड़ी तैयारी करनी है और बाद में 3-4 दिन बाद, जैसे टोटल 15-17 दिन का ये पूरा पैकेज होता है। उपवास माउंटेन में जैसे हम क्लाइंब करते हैं वैसा होता है। अगर क्लाइंब करने में 10 दिन लगे तो उतरने में 3 दिन लगने चाहिए, एक ही दिन में उतर जाओगे तो तकलीफ हो गई। यानी फास्टिंग करना इजी है, ब्रेक करना बहुत संभल के करना है। इसके लिए आपको जैसे यहाँ समझा है वैसे कर। मेरा नंबर है 9879962620। आप व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाना मेरे ग्रुप में तो आपको सब मिलते रहेंगे, या मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, आप ये चारों से कॉन्टेक्ट में रहेंगे तो आपको फायदा रहेगा। क्योंकि मैं अभी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तो इंडिविजुअली ये सब माध्यम से ही मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ, जनरल इन्फॉर्मेशन। मैं पर्सनल में आपको सबको गाइड करता हूँ। व्हाट्सएप पे मैसेज करना मुझे, फ़ोन मत करना, क्योंकि आजकल ज़्यादा लोग हैं तो मैं तुरंत जवाब नहीं दे सकता हूँ, फिर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है। अभी इस बार नवरात्र, आसो नवरात्र चालू होता है 26 सितंबर मंडे से, तो उसके 3 दिन पहले हमें इसकी तैयारी कर लेनी है। यानी हमारी फास्टिंग की प्रिपरेशन चालू होती है 23 सितंबर फ्राइडे को। वो दिन आपको ग्रीन जूस लेना है 12 बजे, सलाद या सीजनल फ्रूट लेना है, शाम को हॉट वेज सूप या ऐसा कोई भी सूप ले लेना है, और रात को एनिमा लेना है। एनिमा सबसे इंपॉर्टेंट है अपने में, एनिमा सबको मालूम ही होगा, नहीं है तो मेरा वीडियो देख लेना। ऐसे ये होता है और ये ट्रैवल एनिमा भी है, आपको अगर किसी को ट्रैवलिंग जाना रहता है तो ये सब जो चीज़ें बताई आपको अगर अवेलेबल नहीं है तो आप मेरे से मंगवा सकते हैं, हम कुरियर भी करते हैं, कुरियर चार्ज अलग से लगेंगे। और आपको मेंटली रेडी होना है फास्टिंग के लिए। अभी दूसरा दिन यानी सैटरडे 24 सितंबर, ग्रीन जूस लेना है, फ्रेश बनाओ तो अच्छा है, मेरे वीडियोस है। अगर कोई आप बिजी हो या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो हमारे पास ग्रीन जूस पाउडर भी अवेलेबल है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। ऑफकोर्स पाउडर से थोड़ा कम फायदा होता है, लेकिन आपका काम रुके नहीं उसकी वजह से ही आप उसका यूज़ कर सकते हो। दोपहर में सलाद, सीजनल फ्रूट जूस जो भी है, और शाम को रो फूड लेना है, रात को एनिमा लेना है, और सनमार्ट 20 मिनट हर रोज लेना है। अभी तीसरा दिन संडे 25 सितंबर, ग्रीन जूस और एनी सीजनल फ्रूट जूस पे रहना है, शाम को भी फ्रूट जूस लेना है कोई भी, और रात को एनिमा लेना है। ये हमने प्रिपरेशन कर दी, बॉडी आपका तैयार हो गया। अभी नवरात्र का पहला दिन, हमारा चौथा दिन मंडे 26 सितंबर, ग्रीन जूस ऑप्शनल है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि भाई पत्ते नहीं खाते, हम तो मानते हैं कि भाई जो वृक्ष जो ट्री के आप फ्रूट खा सकते हो उसके पत्ते खाने में आपको क्या दिक्कत है, फिर भी आपका जैसा मानना है।
वो आप आपके हिसाब से नक्की कर सकते हो। ग्रीन जूस ले सकते हो और मौसम्बी जूस, अभी मौसम्बी की सीजन है, आपके वहां जो भी सिट्रस फ्रूट की सीजन है वो ले सकते हो। डिनर में भी आपको मौसम्बी जूस लेना है, दिन के 3-4 ग्लास से ज्यादा नहीं लेना है, उससे भी कम कर सको तो अच्छा है। नाइट एंड मॉर्निंग दोनों टाइम एनिमा लेना है, 1.5 लीटर सादे पानी का। 20 मिनट आपको बैठना है धूप में हर रोज, और सुबह में 26 सितंबर को सुबह में आपको आर्टिफिशियल वॉमिटिंग करनी है, जिसको वमन बोलते हैं, वो एक खास करना है, कुंजल क्रिया, गज करनी, वॉमिट करके हमारा इंटेंस जो जठर है, आमाशय, उसको क्लीन करना है। अभी पांचवा दिन, नवरात्र का दूसरा दिन, ट्यूसडे 27 सितंबर, ग्रीन जूस, मौसम्बी जूस, शाम को भी मौसम्बी जूस, मॉर्निंग एंड नाइट एनिमा, और ये नवरात्र वो माता जी की आराधना है। आप इसमें जितना भी टाइम भक्ति में या आपके जो भी इस टाइम उसमें थोड़ा बिताएंगे तो अच्छा रहेंगे। मिनिमम 30 मिनट आपको टाइम देना है। अभी 6 डे, नवरात्र का तीसरा दिन, बुधवार वेंसडे को 28 सितंबर, ग्रीन जूस लेना है, मौसम्बी जूस लेना है, और शाम को भी मौसम्बी, रात को एनिमा, सुबह में एनिमा, प्रेयर, संवाद। अभी चौथा दिन नवरात्रि का और अपना सातवां दिन थर्सडे 29 सितंबर, आपको अभी लेमन जूस, लेमन वाटर लेना है, पूरे दिन लेमन वाटर या लेमन हनी वाटर, शाम को भी जैसे 12 बजे से 8 बजे तक, मॉर्निंग एंड नाइट एनिमा लेना है। 30 मिनट तक आपको सनबाथ लेना है, 20-30 मिनट जो कर सको वो, और मिट्टी पट्टी नहीं कर सको तो ऐसा कोई आप आपकी टमी पे रख सकते हो। अभी हमारा पांचवा दिन, हमारा एयर फास्टिंग वाला दिन, और वैसे आठवा दिन फ्राइडे 30 सितंबर, वो दिन आप कुछ लेना नहीं है, निर्जला, नो वाटर फास्टिंग, आपने अगले दिन ले लिया वो ठीक है, पूरे दिन कुछ नहीं लेना है। सुबह, दोपहर और रात्रि तीन टाइम एनिमा लेना है, अगर आप जॉब करते हैं ऐसा कुछ है तो शाम को एनिमा ले सकते हैं, 24 घंटे में 3 बार एनिमा लेना है, और हो सके तो मौन रहना है, कुछ भी बोलना नहीं है, शक्तियों का, जीवनी, जीव की जो शक्ति है उसका हमें थोड़ा अंदर संचय करना है, उससे थोड़ा फायदा रहेगा। ये एयर फास्टिंग अगर पुराने लोग है तो वो लोग 2-3 दिन भी कर सकते हो, 5 दिन भी कर सकते हो, 9 दिन भी कर सकते हो, आपकी कैसी कैपेसिटी। नए लोग ज्यादा फास्टिंग शुरुआत में मत करना, एयर फास्टिंग, वो मैं आपको इसकी एडवाइस नहीं दूंगा। अभी सैटरडे अपना नौवां दिन, नवरात्र का छठा दिन, 1 अक्टूबर, फिर से अभी जैसे हमने स्टार्ट किया वैसे वापिस आना है, लेमन वाटर पूरे दिन 12 से लेके शाम को 8-9 बजे तक, मॉर्निंग एंड नाइट एनिमा, सनबाथ और मिट्टी पट्टी करनी है। अभी 10th डे संडे अपना नवरात्रि का 7th डे 2nd अक्टूबर, ग्रीन जूस, मौसम्बी जूस, मौसम्बी शाम को भी, मॉर्निंग नाइट एनिमा और प्रेयर और सनबाथ। अभी है 11वां दिन मंडे, नवरात्रि का 8वां दिन, आठम जो बोलते हैं, 3rd अक्टूबर, ग्रीन जूस, मौसम्बी, मॉर्निंग एंड नाइट एनिमा। 11वां दिन ट्यूसडे 4th अक्टूबर, नवरात्रि का लास्ट डे जो बोलते हैं, नौम, ग्रीन जूस, मौसम्बी, दो टाइम एनिमा। अभी हमारा नवरात्र लीगल वे में पूरा हो रहा है, आपको 12वां दिन यानी दशहरा 5th अक्टूबर, उसमें सबसे पहले वो काम करना है आपको कि जो लोग ये दिन भी उपवास करते हैं वो लोग जारी रख सकते हैं, जो लोग वो दिन उपवास तोड़ लेते हैं, काफी जगह दशहरा का उपवास नहीं होता है, काफी जगह होता है, वो आपके ऊपर चॉइस है। करना है तो ग्रीन जूस, सीजनल फ्रूट, फ्रूट जूस के हिसाब से कर ले सकते हो, और प्रेयर करना है, और वो दिन आपको छुट्टी है तो आपको एक काम खास करना है, वो है नारायणी सेवा। आपने अभी इतने दिन जो भी पैसे बचाए, हमने उपवास करके, लींबू पानी पे रह के, हमारा जो 2-3 टाइम खाते थे वो बंद करके, आपकी जो भी कैपेसिटी है, 5 रुपया, 50 रुपया, 5 लाख, वो आपको गरीबों में डोनेट करना है, उसके बाद ही हमें अपना रूटीन पे आना है।
और उसके लिए मैं आपको सलाह देता हूँ, काफी लोग दूसरे पैसे मांगते हैं, आपको आपका डोनेशन आपको खुद ही करना है। हो सके तो केले लेके आप गरीबों में जहां भी जरूरत है 2 केले बांटो, डजन बांटो, पूरी ट्रक, वो आपकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है उसके ऊपर, लेकिन आपको आपका पैसा क्या आपको ही, किसी को देना नहीं है। अभी 13वां दिन थर्सडे 6 अक्टूबर ऑफिशियली दशहरा ओवर, आपको 12 बजे एक डिटॉक्स सब्जी लेनी है, उसमें स्पिनच, पालक, पम्पकिन, कद्दू और लौकी, इसका सूप या सब्जी बना के टेस्टी, आपको जो भी मसाला मसाला डाल के टेस्टी, तेल बेल डाल के अच्छी तरह से बना के दोपहर में लेनी है। हमारा पूरा, हम कच्चे पे थे, जूस पे थे, उसका जो था पूरा अपना जूस पे ही थे। इसमें किसी को बीच में जो नवरात्र के दरमियान रो फूड नहीं लेना है, जूस पे ही रहना है। तो अभी अपना ये पक्का आप ले सकते हो, उसके साथ सलाड भी लेना है तो ले सकते हो, और शाम को भी सलाड आप लेना है, और एनीमा इसमें आप 3 टाइम करना है। सुबह ये सब्जी खाने के बाद अगर आपको लेटरिन नहीं आता है तो एनीमा कंपलसरी लेना है 1-1 घंटे में, और रात को लेना है। सनबाथ करना है, और जैसे बताया नारायणी सेवा करनी है। अभी 14वां दिन, नवरात्र तो पूरा हो गया, फ्राइडे 7 अक्टूबर ग्रीन जूस पे आना है, सलाद, सीजनल फ्रूट जूस, शाम को आप हॉट वेजिटेबल सूप लेना है, और नाइट को एनिमा लेना है। 15वां दिन सैटरडे 8 अक्टूबर ग्रीन जूस, सलाद, फ्रूट्स, सॉक, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। शाम को आप कोई भी वेज भाजी सब्जी ले सकते हो, रोटी दाल चावल कुछ नहीं लेना है, और नाइट को एनिमा लेना है। 16वां दिन संडे 9 अक्टूबर ग्रीन जूस, बाद में पूरे दिन सलाद, जूस, स्प्राउट, सॉक, ड्राई फ्रूट्स, वो कुछ भी ले सकते हो। शाम को भी आप सूप, दलिया या सब्जी लेना है, और नाइट को एनिमा लेना है। और 17वां दिन अब से अभी आप आपका रूटीन वैसे चालू कर सकते हो। मंडे 10 अक्टूबर ग्रीन जूस लेना है, सलाद, जूसेस, स्प्राउट्स जो है, और शाम को आपको एक रोटी के साथ डिनर लेना है। ये आपका हमारा पूरा सिस्टम, यहाँ नवरात्र का ये 17 दिन का प्रोग्राम पूरा होता है। आपको नवरात्र सिर्फ ये चार्ट पे नहीं करना है, ये चार्ट मैं आपको मेरे फेसबुक और व्हाट्सएप और टेलीग्राम में रखूंगा, लेकिन ये वीडियो देखना जरूरी है, वीडियो के बिना फायदा नहीं होगा, अच्छी तरह से समझना है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइफ टाइम कभी नहीं लेने हैं, डेंजर है, हम उसको कभी प्रमोट नहीं करते हैं। और इस नवरात्रि के दरमियान 2 टाइम अगर बाथ ले सको, आप स्नान कर सको तो बहुत अच्छा है। पानी ये दरमियान, जो भी फास्टिंग के दरमियान निर्जला के बिना के दिन, आपको जब भी प्यास लगे तो आप सिप बाय सिप पानी ले सकते हो, ज्यादा बहुत पानी पीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा वैसे भी फूड ग्रेन जाएगा नहीं तो ज्यादा पानी की जरूरत नहीं रहेगी। फिर भी आपको लेना है तो सिप बाय सिप थोड़ा लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। मेडिसिन्स जो लोगों को जरूरत है वो लोग ले सकते हैं, वैसे मेडिसिन्स की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन फिर भी आपको लगे तो इन टाइम आप मेडिसिन्स ले सकते हो, लेकिन ग्रीन जूस के बाद में। जो लो बीपी और टीबी पेशेंट है वो नवरात्र फास्टिंग मुझे कंसल्ट करे बिना मत करना, वो मेरी कंसल्टिंग, मेरे गाइडेंस के बाद ही करना। आगे जैसे बताया वैसे फास्टिंग इज इजी, बट उसको तोड़ना, तुरंत आप तोड़ देंगे बीच में, क्योंकि इसमें फैमिली का प्रेशर रहता है, बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, तो आप बीमार हो सकते हैं। शुरू करने से पहले आप मेंटली प्रिपेयर हो जाना, बाकी मेरे अंडर में लाखों लोग नवरात्र सालों से कर रहे हैं, आप भी कर लो, बॉडी क्लिंजिंग कर लो, ये कर लो, बाद में अभी जब चैत्र नवरात्र आता है वैसे करो, हफ्ते में एकाध निर्जला करो, ऐसे करते रहो तो आपका क्या है, पका हुआ खाने से जो मल बनता है वो निकलता रहेगा। एनिमा जैसे बताया वैसे गाइडेंस में लेते रहना, वो भी कुछ लाइफ टाइम लेने की जरूरत नहीं है, जब भी तक आप कच्चा खाते हो तब खास लेते रहना, पका खाने के बाद में धीरे धीरे मेरे गाइडेंस में वो भी आप बंद कर देना है। और कोई पॉइंट अभी रहता नहीं है, अगेन 9879-26220 पे आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। और ये अभी वीडियो हम ऑफिशियली, जरा ये वीडियो ऑफिशियली हम अभी क्लोज करते हैं।
थैंक यू वेरी मच।